हेलो माय डियर स्टूडेंट, टू गुड मॉर्निंग। एवरीबॉडी। और आज हम लोग कैपेसिटर का थर्ड पार्ट लेके आए हैं, और जो कि 12th IIT नीट, एयरफोर्स, एनडीए आदि एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है गाइज। और ये टॉपिक है कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर व्हेन अ डाइलेक्ट्रिक स्लैब पार्शियली फिल दस स्पेस बिटवीन प्लेट्स। मीन्स गाइस, क्या क्या कह रहे हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोगों ने फाइंड किया था व्हाट इज कैपेसिटर। कैपेसिटर के बारे में फाइंड किया था, तो कैपेसिटर सी कल हम लोगों ने फाइंड किया था Q y V। नेक्स्ट हम लोगों ने एक स्पेरिकल कैपेसिटर लिया था, स्पेरिकल कैपेसिटर लिया था। तो जब स्पेरिकल कैपेसिटर फाइंड किया था तो हमारा फाइंड हुआ था सी इक्वल 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू ए। ठीक है गाइस, इसके बाद हम लोगों ने होलो स्फेरिकल कैपेसिटर लिया था। नाउ हम लोगों ने फाइंड किया था पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। अब पैरेलल प्लेट कैपेसिटर तो है, हम लोग पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बारे में ही फाइंड कर रहे हैं, बट ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कैसा है कि इसके बिटवीन द प्लेट्स गाइस एनर्जी कहाँ स्टोर होती है, बिटवीन द प्लेट वेयर एनर्जी स्टोर इन बिटवीन द प्लेट्स गाइज। नाउ गाइज, हम लोगों को डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट की एक स्लैब रख दी गई, टी थिकनेस की एक स्लैब रख दी डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट के की। देन फाइंड द कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो गाइज आइए देखते हैं इसको। कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर व्हेन अ डायलेक्ट्रिक स्लैब पार्शियली फिल्स द स्पेस बिटवीन प्लेट्स। ठीक है ना गाइज, तो देखिएगा इसको कंस्ट्रक्शन कैसे किया गया है। कंसिडर अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैविंग ईच प्लेट एरिया ए। मीन्स जो प्लेट ए है और बी है, दोनों की क्रॉस सेक्शन एरिया क्या गा ए। इसकी भी एरिया ए है और इस प्लेट की भी एरिया ए है। नाउ एंड सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस डी, और ये स्मॉल डिस्टेंस डी से सेपरेटेड है दोनों प्लेटें। व्हेन देयर इज अ वैक्यूम बिटवीन द टू प्लेट्स द कैपेसिटेंस ऑफ द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज सी इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी। ओनली जब वैक्यूम होता है, आर एयर होती है, तो कैपेसिटेंस सी इज इक्वल टू क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी। इफ इसमें फुली फिल कर दिया जाए डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट तो सी इक्वल क्या हो जाएगा, तो तब सी इक्वल होता है एप्सिलॉन नॉट के ए बाय डी। क्या आएगा गाइस, के ए बाई डी। अभी हम लोगों ने ये थिंक किया है कि इसमें वैक्यूम है, आर एयर है, तो वैक्यूम एयर के लिए से सी नॉट इनिशियल सपोज करते हैं, और क्या होता है एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। और यदि इसमें डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट के रख दिया जाए फुली कंप्लीटली, अभी ये टी थिकनेस में रखा हुआ है, अगर फुली रख दिया जाए तो क्या होगा, सी इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट के ए बाई डी। नाउ गाइस आगे देखते हैं। बिटवीन द टू प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर ओवर अ डिस्टेंस टी द स्ट्रेंथ ऑफ डायलेक्ट्रिक फील्ड ई, एंड ओवर द रिमेनिंग डिस्टेंस डी माइनस टी द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट इफ बी इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर। देन गाइस आइए अब इसको हम लोग इसका डेरिवेशन करते हैं और समझते हैं। गाइस हम लोगों ने क्या किया, दो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर लिया, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर लिया। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में दो प्लेटें होती हैं गाइस, इसके बीच में एक पार्शियली मींस एक टी थिकनेस का डाइलेक्ट्रिक स्लैब रख दिया। कितने थिकनेस का गाइस, टी थिकनेस का डाइलेक्ट्रिक स्लैब रख दिया, और डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स डी है एंड थिकनेस टी है गाइस। अब हम लोग इसमें फाइंड करेंगे किसका कैपेसिटर कितना होगा। तो गाइस आइए देखते हैं, पहले हम लोगों को पोटेंशियल फाइंड करना हो, फर्स्ट वी आर फाइंड द पोटेंशियल, देन आफ्टर द कैपेसिटर। और पोटेंशियल फाइंड करने के लिए वी नो दैट कि वी इज इक्वल टू होता है ईडी। क्या होता है गाइस, वी इक्वल ईडी, जो हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड में पढ़ा था। अब डायरेक्ट आप लोग डेरिवेशन देखेगा, सिंपल डेरिवेशन है, जैसे हम लोगों ने फर्स्ट किया था पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए सेम टाइप का ये भी है। अब देखिए गाइस, इसमें वेयर वैक्यूम है, जहां पर वैक्यूम है वहां पर इनिशियल इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है ई, कितना गाइज ई नॉट। और जितने में
टी थिकनेस की स्लैब रखी है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट उसको सपोज कर लिया ई, कितना सपोज किया ई। यदि हम लोग बात करें टोटल पोटेंशियल की तो व्हीकल क्या होगा, ई इंटू कितना गाइस टी, ई इंटू टी, टी की थिकनेस। और हम लोग पता है कि पोटेंशियल इक्वल होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू डिस्टेंस, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू डिस्टेंस, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ई डिस्टेंस टी यानी कि थिकनेस टी प्लस सेकेंड कितना है जो खाली स्पेस बचा था जिसमें वैक्यूम है आर एयर है, क्या वैक्यूम आर एयर, और वैक्यूम आर एयर किसमें है कितनी कितनी स्पेस में है ई नॉट, और डिस्टेंस कितना पूरा डिस्टेंस डी थी इसमें टी हटा देंगे रिमूव करा देंगे कर देगा डी माइनस टी, दिस इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल गाइस। वी नो दैट और वी फाइंड ऑलरेडी व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ई, ई की वैल्यू क्या होती है गाइस, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ई, बोलिए व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ई, बोलिए गाइस ई की वैल्यू क्या होती है सिग्मा बाई इप्सिलॉन नॉट, क्या होती है सिग्मा बाई इप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाई इप्सिलॉन नॉट। ये जब डायलेक्ट्रिक स्लैब रखी होगी ई तो क्या होगा के इप्सिलॉन नॉट, के इप्सिलॉन नॉट सिग्मा अपॉन के इप्सिलॉन नॉट, और जब वैक्यूम होगा एयर होगी तो ई नॉट इक्वल क्या होगा सिग्मा अपॉन इप्सिलॉन नॉट, ठीक है ना गाइस। वेयर सिग्मा, वेयर सिग्मा क्या है सरफेस चार्ज डेंसिटी, वेयर सिग्मा इज द सरफेस चार्ज डेंसिटी, क्या है गाइस सरफेस चार्ज चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी वैल्यू ऑफ सिग्मा कितनी होती है गाइस फाइंड कर चुके के वाई ए क्यू वाई ए, क्या क्यू वाई ए। नाउ इक्वल हमारा आएगा Q by A epsilon naught K and E naught equal guys कितना आएगा dielectric constant की वैल्यू एयर वैक्यूम के लिए 1 होती है तो Q by A epsilon naught, Q by A epsilon naught the value of E and E naught put in first equation the value E and E naught put in first equation then we get guys क्या समझ में आया ना guys समझ में आया, बात सिंपल है बात इजी है, इजी वे से देखिए guys V equal E की वैल्यू पुट अप करेंगे Q by A epsilon naught K into thickness T plus Q by A epsilon naught D minus T। गाइस इसमें जो कॉमन मिल रहा कॉमन ले लेंगे तो Q by A epsilon naught कॉमन मिला मुझे T by K plus D माइनस टी, क्या गाइस डी माइनस टी। नाउ नाउ गाइस हमें फाइंड करना है अच्छे इसको सही से अगर लिखना चाहते लिख सकते हैं क्यू बाई ए एप्सिलॉन नॉट डी बाहर ले लो और क्या बचेगा प्लस का टी वाई के माइनस टी, प्लस का टी वाई के और माइनस टी। तो गाइस कैपेसिटर फाइंड करना है, वी नो दैट कैपेसिटर इक्वल क्यू वाई वी होता है गाइस क्यू वाई वी, वैल्यू पुट अप कर देंगे वी की इक्वल Q YV की वैल्यू पुट अप करेंगे Q by A
एप्सिलॉन नॉट, इसको राइट कर सकते हैं डी माइनस टी प्लस टी वाई के, टी वाई के क्यू से क्यू ने कैंसिल किया, ए एप्सिलॉन नॉट ऊपर पहुंचेगा तो सी इक्वल ए एप्सिलॉन नॉट वाई डी माइनस टी प्लस टी वाई के, सी इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट डी माइनस टी प्लस टी वाई के। दिस इज द कैपेसिटर, इसमें द पार्शियली फिल अप फॉर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। गाइस आपको यदि वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर जरूर करते रहिए गाइस। आगे इसी में वी फाइंड आउट इफ फुली फिल विद डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, इफ फुली फिल विद डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, इसको फुली फिल कर दिया जाए इसे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट से, तो गाइस क्या आएगा समझिएगा इसको। इफ द डाइलेक्ट्रिक स्लैब फुली फिल द स्पेस बिटवीन द टू प्लेट्स देन टी इक्वल डी, मींस क्या बोल रहा है, इफ डाइलेक्ट्रिक स्लैब फुली फिल बिटवीन द प्लेट्स देन डी इक्वल क्या जाएगा इसकी, देखिए जगह पुट कर देंगे टी, तो क्या आएगा सी इक्वल ए एप्सिलॉन नॉट वाई डी माइनस डी प्लस डी वाई के, डी से डी कैंसिल हुआ, ए एप्सिलॉन नॉट के नॉमिनेटर में जाएगा के वाई डी, दैट्स ऑल गाइस। गाइस एनर्जी स्टोर्ड इन अ चार्ज कैपेसिटर, हमें फाइंड करना है कि एनर्जी स्टोर्ड इन अ चार्ज कैपेसिटर, चार्ज कैपेसिटर में एनर्जी कितनी स्टोर होती है गाइस, और समझ लीजिएगा चार्ज कैपेसिटर में एनर्जी कहां स्टोर होती है, बिटवीन द प्लेट्स, बिटवीन द प्लेट्स कहां स्टोर होती है, बिटवीन द प्लेट्स, प्लस माइनस चार्ज जो होता है प्लेट के बीच में, बिटवीन द प्लेट एनर्जी इसमें स्टोर्ड होती है बिटवीन द प्लेट। गाइस देखिएगा डिफरेंस की, द वर्क डन इस चार्जिंग कैपेसिटर इज स्टोर्ड इन द कैपेसिटर इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी, जो एनर्जी स्टोर होती है फॉर्म ऑफ किसके फॉर्म में, इलेक्ट्रिक एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होती है। कंसीडर अ कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस सी, सपोज दैट कैपेसिटेंस कैपेसिटर डज नॉट पासेस एनी चार्ज इनिशियली, मींस सपोज करते हैं कि इस कैपेसिटर के अंदर कोई चार्ज इनिशियली में नहीं था, ठीक है ना गाइस। वन ऑन बींग कनेक्टेड टू अ बैटरी, जब इसमें एक बैटरी कनेक्ट करते हैं मीन्स इसको प्लस चार्ज देते हैं इसको माइनस चार्ज देते हैं, सपोज दैट टू अ पोटेंशियल भी, तब इस पे पोटेंशियल भी आता है आफ्टर सम टाइम। इफ क्यू इज चार्ज ऑन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर एट दैट टाइम, तो गाइस हम लोग पढ़े हैं सी इक्वल क्या होता है क्यू बाई बी, और उस टाइम चार्ज क्या होगा क्यू इक्वल गाइस कितना होगा CV, क्यूकल कितना होगा CV फर्स्ट इक्वेशन, क्यूकल CV फर्स्ट इक्वेशन। गाइस बहुत स्मॉल टाइम पे इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे, देखिएगा टू मेथड है सॉल्व करने का, गाइस टू मेथड, फर्स्ट मेथड देखिएगा, पहले वर्क इक्वल हमें एनर्जी फाइंड करना है मींस वर्क फाइंड करना है, और बी रीड ऑलरेडी V इक्वल क्या होता है dw upon dq, इक्वल क्या dw by dq, तो dw इक्वल कितना गाइस v into dq, कितना आएगा v into dq गाइस, dw इक्वल टू कितना जाएगा v into d, टास मल्टीप्लाई करा है सिंपल सा क्रॉस मल्टीप्लाई करा, dw इक्वल कितना v into dq, ठीक है गाइस, रफ कर दे इसको रफ कर दिया तो dw इक्वल क्या v into dq, यहां से v इक्वल क्या गाइस आएगा देखिए y फर्स्ट इक्वेशन, इक्वेशन सेकंड हो गया y फर्स्ट
इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन क्या था, क्यूकल सी इंटू बी, तो वी इक्वल कितना गाइस, क्यू बाई सी आएगा ना, क्यू बाई सी। देन देन गाइस बहुत सिंपल है, डी डब्ल्यू इक्वल बी की जगह रख दिया क्यू बाई सी, पुट अप कर दिया क्यू बाई सी, डी क्यू इंटीग्रेशन करा दिया इन बोथ साइड, इंटीग्रेशन कराया बोथ साइड, डी डब्ल्यू का डब्ल्यू वन बाई सी कांस्टेंट बार आएगा, क्यू इंटू डी क्यू। गाइस आप लोगों ने इंटीग्रेशन पढ़ा है, बाय वालों थोड़ी प्रॉब्लम आती है, तो गाइस इंटीग्रेशन ऑफ एक्स पावर एन डी एक्स क्या होता है, एक्स पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन। सिमिलरली वर्क इक्वल कितना है, वन बाई सी और इंटीग्रेशन क्यू इंटू डी क्यू। गाइस यही फार्मूला यूज करते, ये फार्मूला है, ये कोई अलग से नहीं दिया, दिस इज द फार्मूला, पावर कितनी वन है इसकी, तो वर्क इक्वल वन बाई सी और क्यू पावर एन, एन की वैल्यू वन और प्लस वन ऐड करते हैं वन अपॉन एन प्लस वन, ठीक है ना गाइस, सॉल्व हुआ तो वन वन टू और क्यू स्क्वायर इंटू सी, दिस इज द वर्क डन इन अ कैपेसिटर इन टर्म्स ऑफ चार्ज एंड कैपेसिटर, यानी कि एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर मीन्स एनर्जी स्टोर इन अ कैपेसिटर इक्वल वन बाई टू सी क्यू स्क्वायर, सी क्यू स्क्वायर इक्वेशन फर्स्ट, दिस इज द एनर्जी स्टोर कैपेसिटर इन फॉर्म ऑफ कैपेसिटर एंड चार्ज, कैपेसिटर एंड चार्ज। गाइस दिस इज द थर्ड इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन दिस इज द थर्ड इक्वेशन, कौन सा इक्वेशन है, थर्ड इक्वेशन। इफ वी फाइंड द एनर्जी इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल एंड चार्ज, पोटेंशियल एंड कैपेसिटर फाइंड करते हैं, एनर्जी एनर्जी इन फॉर्म ऑफ कैपेसिटर एंड पोटेंशियल, देन देन हमें रिमूव क्या कराना, चार्ज क्या रिमूव कराना, चार्ज चार्ज को रिमूव करा दो, हमें कैपेसिटर लेना है, सी लेना है और क्या पोटेंशियल भी फाइंड, भी इंटरनल में फाइंड करना है, मींस रिमूव क्या कराना, चार्ज और वी नो दैट बाई सी इक्वल क्या होता है गाइस, क्यू बाई बी, हमें क्यू रिमूव कराना तो क्यू इक्वल क्या जाएगा, सी बी। नाउ द वैल्यू ऑफ क्यू पुट इन थर्ड इक्वेशन, पुट इन थर्ड इक्वेशन पुट कर दो गाइस, तो क्या आएगा, इक्वल वन बाई टू सी, क्यू की जगह पुट अप करेंगे सी इंटू बी, क्यू की जगह पुट करेंगे सी इंटू बी का स्क्वायर, सी इंटू बी का स्क्वायर। कुछ गलत हुआ क्या, कुछ गलत हुआ क्या गाइस, गलत हो गया यहाँ पे, ध्यान दीजिए यहाँ पे क्या लिखा था, वन बाई वन बाई सी लिखा था, इंटू में नहीं आएगा, वन बाई सी क्यू स्क्वायर बाई सी, सॉरी क्यू स्क्वायर बाई सी, क्वेश्चन थर्ड जो है हमारे पास क्यू स्क्वायर बाई सी, सी यहाँ लिखा था, देख रहे हो आप लोग वन बाई सी क्यू पावर वन प्लस वन पावर वन प्लस वन था, तो क्यू क्यू स्क्वायर बाई सी, ठीक है गाइस क्यू स्क्वायर बाई सी, ठीक है ना, और क्यू के बारे में पुट अप कर दी तो इक्वल आया वन बाई टू सी स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन सी, सी ने सी को कैंसिल किया, तो गाइस एनर्जी क्या आई, यू इक्वल वन बाई टू और सी बी स्क्वायर, सी बी स्क्वायर इक्वेशन नंबर फोर, इक्वेशन नंबर फोर। नाउ एनर्जी फाइंड कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ, देखिए चार्ज कैपेसिटर हो गया, चार्ज वोल्टेज हो गया, और वोल्टेज इंटू चार्ज ले लें, वोल्टेज इंटू चार्ज, एनर्जी इन फॉर्म ऑफ कैपेसिटर रिमूव करा दें, कैपेसिटर जगह पुट अप कर लें चार्ज, चार्ज चार्ज एंड पोटेंशियल, चार्ज एंड पोटेंशियल, देन हमें रिमूव क्या कराना है, सी क्या रिमूव कराना है, सी, नाउ द वैल्यू ऑफ सी पुट इन फोर्थ इक्वेशन, नाउ द वैल्यू
सी पोटेन फोर्थ इक्कासा फोर्थ क्वेश्चन में पुट करेंगे इक्वल 1/2 सी सी की वैल्यू पुट अप कर देंगे क्यू वाई बी इंटू वी स्क्वायर एक बी से भी कैंसिल होगा एनर्जी आएगी 1/2 क्यू इंटू बी दिस इज द फिफ्थ इक्वेशन। तो गाइज आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद जय भारत। मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ में नेक्स्ट डे।